What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Car for Sale Simulator. तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि इस गेम में मेरे पास है एक बहुत छोटा सा कार शोरूम जिसके थ्रू मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है. तो मैं क्या करता हूँ, लोगों से उनकी पुरानी गाड़ियाँ खरीदता हूँ और उसे ठीक कराकर अच्छे प्राइस में बेच देता हूँ. वैसे अभी तक कुछ खास अच्छी कमाई नहीं हो रही थी, बट रिसेंटली मैंने एक $13,000 की BMW को $15,000 में बेच दिया और अब हो रहा है भाई असली प्रॉफिट. और अब मैं थोड़ा धंधा समझ चुका हूँ कि मुझे किस तरीके से अपने छोटे से शोरूम को एक बड़ा शोरूम बनाना है. तो लेट्स गो, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं बिजनेस पे. बाकी हाँ, आप में से जो लोग चैनल पर न्यू है, नीचे एक प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे फटाफट से जाके दबा दो. ये ग्राफ है ना, हमें इसे सुधारना है, तो जाओ लेट्स गो. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स, द प्रीमियम लग्जरी कार डीलरशिप. आज तक एक ही लग्जरी कार बेची है और टैग ले लिया पूरा. एक सेकंड यार, चार पैसा क्या आ गया जेब में? लोग मेरे से देख रहे हो कितना चल रहे हैं, कूड़ा फेंक के जा रहे हैं मेरे डीलरशिप के सामने. ए भाई, आज सारी पहले सफाई करूं मैं आते ही. हाँ तो एक मिनट यार, ये क्या है? यू हैव अनपेड बिल्स. कि किसका पैसा खा लिया मैंने कि बिजली का बिल नहीं भरा जो मेरी स्क्रीन पर इतना बड़ा अनपेड बिल्स लिख कर आ रहा है. बट हाँ, जो भी है, आज अपने पास है पूरे $15,000. सबसे पहले तो चलकर अपना ऑफिस ओपन करते हैं. मैं आज जाने वाला हूँ सबसे पहले कार मार्केट में एक बढ़िया सी कार लेने के लिए, क्योंकि यार मैं चाहता नहीं हूँ कि अपनी डीलरशिप इतनी छोटी सी दिखे. एटलीस्ट ये जो पीछे पूरा पहाड़ तक दिख रहा है ना, वहां तक होगा अपना शोरूम. तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, औकात पे आ जाते हैं. अभी अपने पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं बस से जाने वाला हूँ. बस वाले भैया, मेरे को कार मार्केट छोड़ दो. लेट्स गो, कार मार्केट आ चुके हैं. काश आज एक बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए भाई, मजा आ जाएगा. यहाँ पर कभी कभार तो लैम्बोर्गिनी, पोर्शे ये सब आती है, बट एक सेकंड, एक और BMW. मेरे को ऐसा लगता है कि इस गेम में मेरे लिए BMW थोड़ी लकी कार है. जब भी मैं खरीदता हूँ मेरा बहुत फायदा होता है. बट वेट, ये बंदा $80,000 की गाड़ी बेच रहा है, 23% डैमेज है, ऊपर से इसने एक्स्ट्रा पेंट करवा रखा है, गंदी है काफी. भाई इसको कबाड़ी, इसको ले जा वरना पिटेगा तू मेरे से. कोई बढ़िया सी गाड़ी ढूंढनी होगी यार मुझे जो मेरे बजट में हो. ये तो पोर्शे है, ये 1,00,000 से कम की नहीं होगी पक्का. GTS है क्या? पोर्शे 930, $1,74,000. भाई नहीं, $15,000 है. इसका बंपर दे दो बस मुझे आगेगा, उसका क्या करूंगा मैं. वेट एक, राइट में एक ऑडी है यार. ये सब गाड़ियां अपने बजट की नहीं है, मैं कार मार्केट गलत ही आ जाता हूँ. 20,000 भाई, वेट, ऑडी मिल रही है $20,000 की, क्योंकि इसका भाई वेट इंजन है इसमें. और ये सस्ती इसलिए मिल रही है क्योंकि इसका लेफ्ट वाला डोर और राइट वाला डोर डैमेज्ड है. यार मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मैं रिपेयर करवा लूंगा, बट $15,000 है. बार्गेन करवाता हूँ, 15 की बेच दे यार. भाई नहीं है, नहीं देगी यार, $5,000 कौन कम करता है. चल निकलनी चाहिए. मर्सिडीज वी क्लास ट्राई करूंगा यार, मेरे को पता नहीं है मैं इसे भेज पाऊंगा या नहीं. वेट एक सेकंड, बैक साइड में एक और BMW है और ये भाई टू डोर नहीं, टू सीटर कार है. कितने की है? अरे थोड़ी महंगी ही मिलती है मर्सिडीज, 21,000 की. अच्छा ये सही रेट दे रहे हैं क्योंकि इसकी गाड़ी ना बिल्कुल डैमेज नहीं है, प्रॉपर नई कंडीशन में. हाँ यहाँ पर एक स्कॉडा है, स्कॉडा ट्राई करते हैं यार, डैमेज अच्छी खासी दे दे यार. 10,000, 30,000 भाई, कुछ भी मेरे बजट में है ही नहीं. अब ये कौन सा ब्रांड है? ये शायद से सिट्रियन है. एक मिनट, बेच दे यार. भाई नहीं है, 63% डैमेज. 5,000 नहीं, 3,000 की तो खुद दे रहा है. मैं बोलने यार था 5,000 से कम की नहीं लूंगा. चलो अभी ये भी 3,000 की दे रहा है तो इससे बार्गेन कर दे, 3,200 लास्ट ऑफर दे दे भाई. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सीबल ऑन द प्राइस? देख यार, बार्गेनिंग अपनी आदत है, तो दे अब 300 की. तो ऑफर, योर ऑफर इज लो, वी विल. भाई ये बेच नहीं रहा यार, मैं इस पे आता हूँ तेरे पे वापस आता हूँ. चलो एक गाड़ी तो मुझे समझ आ गई है वैसे. बाकी यहाँ पर एक ये होंडा है क्या? हेलो मोटे भैया, कितने की बेच रहे हो? 64% डैमेज है. 2,000 का रेट इसके शक्ल से लग रहा है मुझे. भाई एक सेकंड, यहाँ पर VTS की बैजिंग हो रही है, शायद से ये स्पोर्ट्स वर्जन है. एक बार ये पता करता हूँ कितने की है. ये गाड़ी है 5,000 की. भाई अच्छे रेट मिल रहे हैं, दो गाड़ियां लेकर चलते हैं, दो तीन गाड़ियां आज कार मार्केट प्लेस से खरीद लेता हूँ. ये गाड़ी बिल्कुल डैमेज नहीं है, इजिली बिक जाएगी. 5,000 ये बोल रही है, 200 मैं बोल देता हूँ, $200 कम हो जाएंगे, अपना फायदा हो जाएगा. ओके आई एम थिंकिंग यू गॉट अ ग्रेट डील, लेट्स गो भाई. एक गाड़ी खरीद ली आज मैंने यहाँ से, फटाफट से इसको चल के अपनी डीलरशिप पे खड़ी कर आते हैं. इसको सीधा बेचने पे लगाते हैं, कुछ नहीं करना. चलो भाई लेट्स गो, बढ़िया गाड़ी खरीद ली आज. मुझे ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचनी है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है. फर्स्ट परचेज अपना हो चुका है, भगा के देखते हैं गाड़ी कैसी भागती है. ऐसे एक सेकंड, मेरी डीलरशिप उधर है. वो हो, ड्रिफ्ट किट लगी है क्या इसके अंदर? क्या मस्त घूमी है. बट हाँ यार, गाड़ी का पिकअप तो अच्छा है यार, अच्छा है, ज़्यादा बुरा नहीं है. इनिशियल पिकअप थोड़ा स्लो है, बट हॉर्स पावर के साथ गाड़ी लगी है. पीछे से मैंने देख ली, चिंगारी निकली थी. लेट्स गो, फर्स्ट कार आ चुका है डीलरशिप पे. जितने की लाया था उसमें
$1,500 अप करके बेचते हैं इसे। चलो भाई बढ़िया, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, इंजन ऑफ कर देता हूँ भाई, ज्यादा पेट्रोल नहीं अपने पास, फटाफट से चल के। हाँ जी भाई, वेब पेज पे डालते हैं सिट्रियन की A4, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, इंडिया में कंपनी है नहीं। 5200 की मैंने ली है, इसे मैं डालूंगा 6400, ठीक है, ज्यादा भी नहीं बढ़ाते। जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचने, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाना। दोबारा चलते कार मार्केट प्लेस, वहां पर दो गाड़ियां और खड़ी है जो कि मेरे बजट में है, तो तीन गाड़ियां अपनी डीलरशिप पे हो जाएगी। पहले ना गाइस मैं थोड़ा बहुत स्लो था, पूरे दिन में बस एक गाड़ी खरीदता था, बट अभी मैं काम सारे फास्ट करने वाला हूं। जल्दी से जाएंगे, गाड़ी खरीद के लाके बेचेंगे। वैसे यार बजट में तो इसकी स्कोडा भी है यार, नहीं सॉरी स्कोडा कहां थी, तो एक गाड़ी में वो ले गया था, अब दूसरी गाड़ी ये वाली लेकर चलते हैं, ऑडी S4। भाई ये ऑडी थी, वेट तभी तो 7000 की दे रही थी इतनी डैमेज होने के बाद भी। अरे भाई बहुत सही डील है, ले लेता हूं मैं, इससे बार्गेनिंग करा के देखता हूं। 7000 देख 400 ना, बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा अगर इसने दे दी तो। मुझे पता नहीं था भाई कि ये ऑडी है। ओके लेट्स गो भाई, सच में अपनी डीलरशिप अब एक लग्जरी डीलरशिप बनती जा रही है भाई, अब महंगी महंगी गाड़ियां लेके जा रहा हूं मैं। बाकी यार मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है, मैंने इस गाड़ी पे ध्यान दिया, ये बहुत ज्यादा डैमेज्ड है इसलिए सस्ती मिल रही है, पर ज्यादा नहीं यार, मुश्किल से $500-800 का खर्चा आएगा, ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। भाई क्या स्पीड है इसकी, भाई बढ़िया चल रही है, सच बता रहा हूँ, इस गेम में ऐसी गाड़ी अभी तक वो दिखी नहीं है। एक BMW थी वो भी बहुत सही चल रही थी, बट ये उससे भी बेटर है, पर इसके सस्पेंशन कुछ सस्ते नहीं लगे हुए। ओ भाई मस्त गाड़ी है यार ये, मुझे ध्यान देना चाहिए था इसके सस्पेंशन पे। ओह 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 भाई मेंटेन करो गैप, भिड़ जाइए। चलो गाइस लेट्स गो, 110 की स्पीड पे भगाता हुआ मैं पहुंच चुका हूँ अपने वेट, पहले गाड़ी को रिपेयर बाद में देंगे, अपने शॉप पे कस्टमर आ रखे हैं। अरे यार मैं शॉप क्यों बोल देता हूँ, अपने शोरूम में कस्टमर आ रखे हैं। इन आंटी से पता करते हैं। हाँ जी गाड़ी 6400 की मैंने डाली है, खरीद ले जैसा फिर। बिक गई भाई। ओह भाई रुक जा, तुम दोनों वेट करो, एक गाड़ी हो रहा है रिपेयर करा के ला रहा हूँ। भाई पैसा कमाना सीख गया, सीधा $1,000 का फायदा हो रहा है। चलो फटाफट से इस गाड़ी को रिपेयर पर देकर आता हूँ, यहाँ पर ये लोग जितने भी डेंट वगैरह है ना सब कुछ एकदम फिक्स कर देंगे। चलो भाई गाड़ी ऑफ, भाई साहब इसको कर दो बढ़िया एकदम, जितनी भी डैमेज चीजें हैं। $1,200 लग गए, थोड़ा सा महंगा खर्चा हो गया, बट ठीक है मैं बेचूंगा इस गाड़ी को अच्छे खासे प्राइस में। इससे पता कर लेता हूँ कितनी देर लगा रहे हैं रिपेयर करने में, टाइम लगेगा गाड़ी में थोड़ा सा, जब तक और घूम के आता हूँ ये वाली गाड़ी भी रिपेयर हो जाएगी। भाई ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां भरनी है डीलरशिप पे आज के दिन, तो भाई मैं बहुत प्रॉफिट बनाने वाला हूं, बहुत ज्यादा। कार मार्केट में बहुत चेक कर लिया, एक बार नेबरहुड होकर आते हैं, यहाँ पे भी मस्त गाड़ी आ जाती है, बट थोड़ा बहुत। ओ वेट घर आया, मैं घर भी खरीद सकता हूँ क्या? ओ भाई क्या प्यारा घर है, अंदर से देख सकता हूँ, अंदर से नहीं देखने दे रहे भाई, बट सही लग रहा है यार अंदर से तो। नहीं यार अभी पैसा ही नहीं है, अभी घर वर खरीदूंगा बाद में खरीदूंगा भाई, ओ आराम से। हाँ तो यहाँ पर एक ऑडी आई हुई है, के बी SUV मस्त लग रही है, बट ये 40,000 की हुई जहाँ तक है। ओके 12,000 भाई क्या, अगर अभी वाली गाड़ी बेच देता ना तो ये खरीद सकता था मैं। इससे पता करते हैं, यहाँ पर $2,000 की मिल रही है ये वाली गाड़ी, जो कि 25% डैमेज है, तो इससे बार्गेन करके ले लेता हूँ उसे। ज्यादा सोचना नहीं है भाई, फास्ट करना है मेरे को सारा काम। 2400 वो नहीं मना कर रही है भाई, इतना सस्ता नहीं, तो फिर एक काम कर 2600 फाइनल ऑफर है, वरना निकल यहाँ से, और भी बहुत बंदे हैं। थैंक्स फॉर योर ट्रांजैक्शन, हो गया भाई खरीद ली, पता नहीं कौन सी ब्रांड है, मैं देख नहीं रहा भाई, सीधा खरीदो भाई। लेकिन ये स्पोर्ट्स व्हीकल ही है कोई, इसमें मस्त एकदम पीछे स्पॉइलर वगैरह लगा हुआ है। ओहो ओहो क्या ड्रिफ्ट मार रही है, ओपे पागल है क्या भाई, ये बंदा ऐसे पीछे का फेंडर तोड़ दिया यार। छी भाई तेरे को एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को ना चला के नहीं ले जाता हूँ, वरना और डैमेज हो जाएगी। बट यार टो करवाने के भी ना बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, तो मैं भी चुपचाप चला के ही ले जा रहा हूँ, टो नहीं करवाऊंगा। यार मुझे ना ट्रैवल करने के लिए अपना पर्सनल व्हीकल भी रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता मैं ये बस करके जाता हूँ, जिसके $10 चार्ज लगते हैं, जो कि एक तरीके का नुकसान ही है। पर्सनल व्हीकल रहेगा तो कम नुकसान होगा। ठीक है अभी इसको भाई साहब जी रिपेयर पे लगा दो फटाफट, जितनी भी चीज़ें सारी रिपेयर करो, $500 में काम हो गया। ये वाली गाड़ी रिपेयर हो चुकी है बढ़िया, एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ। ओ भाई क्रेजी, मुझे ना यार इस गाड़ी के सस्पेंशन खराब लग रहे हैं, बट अभी सीन क्या है ना, शॉप बंद हो चुकी है सारी, और वो देखो वो भाई साहब जी गाड़ी हवा में ही छोड़ गया मेरी, भाई आलसी नीचे रख के जाता। चलो कोई नहीं, अभी मैं भी इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ता हूं, क्योंकि कल आकर मुझे इसके सस्पेंशन ठीक करवाने हैं। अभी फटाफट से चलते हैं सोने, रात होती भाई यहाँ पर बहुत बंदे पंक्चुअल है, भाग जाते हैं छुट्टी पे। चलो भाई वापस आ गया हूं मैं कंटेनर पे, अभी दरवाजा खोलो भाई, बहुत ज्यादा अंधेरे है, पहले बत्ती लगवाओ। चलो भाई नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी फटाफट से चलते हैं डीलरशिप पे। अब देखो इतनी सी चीज मेरे $20 वेस्ट हो गए, वैसे वेस्ट नहीं हुए, डे करने के लिए करना पड़ता है, सोने जाना ही पड़ता है, पर हाँ एक तरीके से वेस्ट हो गए। और तू मेरे से दोबारा पैसे नहीं लेगा, गाड़ी रिपेयर करी है? एक सेकंड रुक जाओ, तू बता गाड़ी। ओके गाड़ी से ने रिपेयर कर दी, कल ये ठीक करके गया था यानी। चलो ठीक है एक गाड़ी ठीक हो चुकी है, ये दूसरी वाली गाड़ी है, इसको फटाफट से ये ट्यूनिंग वाला बंदा है इसको देकर आते हैं। ये गाड़ी के सस्पेंशन यार बहुत उठे हुए हैं, बिल्कुल SUV लग रही है भाई, इतनी ऊंची कर रखी है बंदे ने गाड़ी। चलो इसको देते हैं गाड़ी, ये रिपेयर करेगा। इसमें रेसिंग किट लग जाएगी ना तो मजा आ जाएगा, डिफॉल्ट किट ड्रिफ्ट किट, रेसिंग किट डाल दे भाई।
अरे रेसिंग किट क्यों डाल दी, उनको सस्पेंशन डाउन कराने थे। ये फ्रंट सस्पेंशन, ये बैक सस्पेंशन अपडेट। खर्चा कर दिया यार मैंने खाली बिली गाड़ी पे, पर ठीक है यार जो भी है, खर्चा करने के बाद गाड़ी अभी और अच्छी लग रही है और मैं इसको महंगी बेचने भी वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खर्चा करा है और प्राइस में कमी डालूंगा, गाड़ी महंगी बिकेगी भाई अबे। बट यार मेरा मन कर रहा है कि इस गाड़ी को बेचू ना, इसको अपना पर्सनल व्हीकल रखू, बहुत सही है। नहीं नहीं यार, पर्सनल व्हीकल कोई और महंगी गाड़ी लेकर आएंगे उसको रखेंगे। बाकी गाड़ी आ चुकी है, फटाफट से इसे वेब पेज पर डालते हैं। Audi S4, इसका प्राइस देखो, मैं 7400 की लाया था, 2150 मैंने इस पे लगा दे, यानी टोटल हुआ 9550। तो 15,000 डालूंगा भाई इसे, क्योंकि Audi है, put it on sale, let's see बिकती है या फिर नहीं। 15 लिखा है, कोई बंदा 13 की भी ले जाए, बहुत प्रॉफिट है यार। अब जेब थोड़ी सी खाली हो गई है, 3500 पड़े हैं बस। बट अच्छी बात यह है कि अपने पास दो दो गाड़ियां भी पड़ी हैं। भले ही जेब में पैसा नहीं है, बट पैसा है गाड़ियों के उसमें। ओए आराम से अभी रिपेयर करा के लाऊं मैं, पागल क्या कर रहा है ये, हटाटा साइड कर रहा हूं मैं, ले जाओ भाई, ठोकी है उसने गंदी तरह। चलो इस गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करो पहले। यार ये ना गंदी बहुत हो रही है, इसको मुझे वॉश करवा लेना चाहिए। बट इसके कस्टमर आए हैं, पहले पता करते क्या रेट दे रहे हैं लोग। 15,000 की है भाई, खरीद ले, बहुत सही है। सेम प्राइस में बिक गई भाई, 20,000 डालना चाहिए था यार। सस्पेंशन वगैरह सारी चीजें ठीक कराई है ना, तो दुख हुआ भाई अभी मेरे को, देख रहे हो कितना पैसा हो गया भाई। इसका प्राइस मैं बहुत ज्यादा डालूंगा, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी अमीर कस्टमर आ जाते हैं भाई, वो देखते नहीं है कितने की है। पर 2600 की मिलाया था, 5077 एक्स्ट्रा लगाए हैं, यानी टोटल कुछ अप्रोक्सीमेटली 3200 समथिंग जा रहा है। बट इसका प्राइस मैं डालने वाला हूँ 8000। बट यार ये ब्रांड होंडा है, तो कहीं ये बिके ही ना ऐसा हो रहा है। एक तो पता नहीं कूड़ा क्यों फेंक के जाते हैं यार। वैसे आज कार ऑक्शन चल रहा है वही राइट साइड में, बट वहाँ पर भाई 3-4 लाख की लैम्बोर्गिनी वगैरह बिकती है, वो अपने बजट में नहीं है, वहाँ जाके टाइम वेस्ट होता है। और जिस दिन शायद से कार ऑक्शन चलता है, कार मार्केट बंद रहता है, एक बार चल के देखता हूँ। यस भाई, पूरा खाली पड़ा हुआ है, पैसा अलग वेस्ट हो गया बस का। अब चलते हैं नेबरहुड पे, क्या पता यहाँ पर कोई $18,000 में बढ़िया गाड़ी मिल जाए। और एक सेकेंड आगे लेक्सस खड़ी है भाई, अगर ये मिल गई ना मजा आ जाएगा, बहुत सही दिख रही है। टायर भाई व्हील्स बहुत खराब लगवा रखे हैं, इस पर काम करवाना पड़ेगा, और डैमेज भी बहुत है ये प्यार से। तू पागल है क्या भाई, 525 की ये वाला डोर भी गया हुआ है, ये वाला डोर भी गया हुआ है, टायर पता नहीं कौन सी गाड़ी के लगवा रखे हैं। ऐसा लग रहा है लैक्सिस में कोई ऑटो रिक्शा का टायर ला के लगा दिए। नहीं नहीं भाई, ये तो लूट रही है भाई, इतनी ज्यादा डैमेज्ड कार को भी इतना महंगा। यहाँ पर आगे वाले घर में भाई एक सेकेंड, दो स्पोर्ट्स कार है भाई, ये पता नहीं कौन सी, ये तो शेवरलेट की कोई है, बट इधर सुपरा है। 18,000 में सुपरा तो नहीं मिलने वाली, बट ट्राई कर लेते हैं, क्या पता थोड़ी डम्बो बेच दे। कितने के 78, नहीं सॉरी, ये वाली कोई स्पोर्ट्स व्हीकल है, बहुत सही कंडीशन में है, एक बार इसे पता कर लेता हूँ। कंडीशन ठीक नहीं है, 28% डैमेज है, और 6,000 की देर है। मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, ये गाड़ी ले लूंगा मैं। मतलब अभी और भी बहुत सारे घर हैं, एक बार उनसे भी चल के पता कर लेते हैं, क्या पता और भी कोई अच्छी डील मिल जाए। बाय द वे अभी तक होंडा का एक भी कस्टमर नहीं आया भाई शॉप पे। और एक सेकेंड, ये टेस्ला है क्या भाई, टेस्ला आ गई, कितने की है टेस्ला, $45,000। नहीं भाई, ये अभी बाद में लूंगा, बट थोड़े अभी अमीर कस्टमर आ गए भाई नेबरहुड में। एक BMW स्पॉट हुई है मुझे, जो कि बहुत अच्छी खासी डैमेज है। मेरे को ना डैमेज कार देख के ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये गाड़ियां ना सस्ते में मिल जाती है और फिर इसे रिपेयर कराने में ज्यादा खर्चा नहीं आता, बट बिकती बहुत महंगी है, उस ब्रांड है ना वो। तेरी भाई, ये तू तो समझदार है, 78,000 की बेच रहा है भाई। भाई प्रॉपर ड्रिफ्ट कार है यार, उसको ले लेता ना मैं कसम से, पर्सनल व्हीकल बना लेता, उसे भगाता नहीं। ये कोई विंटेज मिल तो रही है, कितने के 35% डैमेज है और 10,000 की बेच रही है। तो देखो अभी अपने बजट में दोनों गाड़ियां, मैं ये वाली भी ले लेता हूं, और जो दूसरी वाली है ना वो भी ले सकते हैं, बट पहले चल के वो वाली लेते हैं, उसकी कंडीशन एकदम प्रॉपर बढ़िया है। ओके गाइस, ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है, कस्टमर इन द ऑफिस, फटाफट से पहुंचता हूं मैं, क्योंकि मेरे को गाड़ी बेचनी। अरे मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ, ओए ये डैमेज थे क्या, हाँ मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठने जा रहा था, मैंने खरीदी नहीं। तो देखो 6,300 की दे रहा, देख 6 में फाइनल करते, खत्म बात, ठीक है। जल्दी बेच दे, प्राइस ओके, देखो ज़्यादा चाहिए, तू लेगा 6,201 नगद। कंग्रेचुलेशन कहाँ से भाई, बचा लिए, देख रहे हो पैसे बचा लेता हूँ मैं थोड़े थोड़े बार्गेन करके। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट, भगाते हुए चलते हैं। अरे 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 भाग, मेरे को इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और ये भाग के नहीं दिखा रही है। आराम से, ऊपर अंधा है क्या। चलो रिपेयर करवानी थी, बट अभी थोड़ी सी और रिपेयर करवानी पड़ेगी। तो कितनी तेज भगाते हुए ला रहा था, उसमें प्रॉपर ठोकी है भाई इस बंदे ने ना। गाड़ी के टायर देखो ना बाहर करवा रखे हैं थोड़े से, जिससे इसकी जो लुक है ना वो काफी ऐसे चौड़ी सी आ रही है। अबे हटो यार, मुझे जाना है ऑफिस में, बंदे आ रखे हैं। चलो
कस्टमर आया भाई होंडा सिविक के, लेट्स गो देख कर आते हैं कितने की आंटी खरीद रही है गाड़ी। मैंने डाली थी 8,000 की और I'll take a minute. Can I pay 3,300? इतने की तो मुझे नहीं पड़ी है पागल, इससे बात करता हूँ भाई। यार ये सब गाड़ी में दिक्कत हो जाती है, ऐसी क्या कमी है कि लोग इसे 3,000 में आ रहे हैं भाई। रुक जाओ मेरे को चेक करके आने दे मैंने कितने की खरीदी थी, एक मिनट रुको बस। वेब पेज पे गए तो ये है होंडा सिविक जिसको 2000, हाँ तो 3,300 की तो मैं खुद लाया हूँ। तुम एक काम करो निकल लो, नहीं बेचनी भाई, या फिर निकाल दो इस गाड़ी को थोड़ा सा बढ़ा के, 3,300 ही ये दे रही है, बार्गेन करके इसे 3,500 बोलता हूँ, 3,500 ऑफर करते हैं। अगर ले लिया तो ठीक है, वरना वेट करेंगे। ओके बिक गई, ठीक है टेंशन खत्म भाई, गाड़ी बेच दो इससे बढ़िया। बाकी ये गाड़ी है इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा मुझे यहाँ से फटाफट। अबे पागल, चलो भाई डन है, इंजन ऑफ कर दे भाई, फटफट रिपेयर कर दे इसको, 472 छोटा मोटा दिक्कत थी बस। तो 5 बज चुके हैं, इसके बाद हम लोग सोने चलेंगे, बट जब तक वो गाड़ी रिपेयर कर रहा है मैं सोच रहा हूँ जंक के आड़ में ना थोड़ा बहुत ऐसे इसे आयरन बटोर के दे दो भाई, बंदा पैसे देता है इस चीज के। लेट्स सी आज कितने पैसे देगा। काफी सारा सामान मैंने उठाया है इसके जंक के आड़ से, 359 है अपने पास, इसको दिया 439 भाई, सही है। इसके दुकान से मेटल उठा के इसी को बेच दो, चल भाई चल, होगी गाड़ी कितनी करती, 67-68 कर दे यार फास्ट, लेट्स गो गाइस। गाड़ी एकदम मस्त रिपेयर हो चुकी है, अब फटाफट से लेकर चलते हैं डीलरशिप में खड़ी करके बेच देते हैं भाई। यहाँ पर ना मुझे थोड़ा आराम से निकालनी चाहिए गाड़ी, दोनों साइड से बंदे भगा के ला रहे होते हैं, ठुक जाती है यार। ठीक है भाई, इस बार आई एक शेवरलेट की गाड़ी, इसे बेचते हैं। मैं अपने डीलरशिप से BMW बेच चुका हूँ, ऑडी बेच चुका हूँ, अभी शेवरलेट आई है, और भी काफी सारी ब्रांड है बट बड़े बड़े ब्रांड ये थे। चलो इसे डालते हैं, 6,200 की मिलाया हूँ, 472 ऊपर से लगाए यानी 6,800 मैंने इस पे लगाया, तो गाड़ी जानी चाहिए 12,000 की। ठीक है नहीं ज्यादा हो गया क्या, 10,000 तो यार वर्थ इट है यार, ब्रांड भी तो अच्छा है। नहीं यार मैं ना बाद में रिग्रेट करता हूँ, पैसा बढ़ा के डालना चाहिए। रिमूव फ्रॉम सेल 12,000, देखी जाएगी बिकती है बिकती है, वरना बाद में प्राइस गिरा लेंगे भाई, बट प्रॉफिट हुआ तो क्या मस्त है। 7:29 PM, नेबरहुड जाने का फायदा ही नहीं है, सोच रहा हूँ जाके सो जाऊं, नेक्स्ट डे होगा तब काम शुरू करेंगे, और कल कार मार्केट भी ओपन होने वाला है और अपने पास अच्छा खासा बजट है। कंटेनर भाई यार अपने ना घर देख के बड़ी शर्म आती है, यहाँ मैं या तो नया घर खरीदूंगा या फिर इसी को कुछ बनाएंगे अपग्रेड करेंगे। स्लीप गुड 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 मॉर्निंग, वापस चलते हैं भाई, अभी अभी काम में इतना बिजी हो रहा भाई, 2 मिनट का रेस्ट नहीं है, कार मार्केट चलेंगे सीधा। अबे एक ओपन, अबे यार मैं बिना नोटिफिकेशन पढ़े आ गया आज कार मार्केट ओपन, कार मार्केट ओपन छोड़ो रात हुई नहीं थी, मैं उसी दिन सो के जग गया, $40 का नुकसान होगा भाई। अब क्या मैं आगे खड़े होकर रात होने का वेट करूं पहले। ओके न्यू डे लोडिंग, नेक्स्ट डे 7 PM, अभी भी 7 PM, अब क्या मैं सो के उठ जाता हूँ 7 PM ही रहता है भाई, पता नहीं 7 PM क्यों लिख कर आ रहा है टाइम, बट अभी कार मार्केट प्लेस ओपन है तो मैं जाने वाला हूँ जल्दी से वहाँ पे, अचानक से रात ना हो जाए भाई क्योंकि आज बहुत सारा काम करने की प्लानिंग है मेरी भाई। एक मिनट, अरे 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 शहर के सारे अमीर बंदे कहाँ चले गए भाई, आज सारी विंटेज कार्स और पुरानी गाड़ियां आई हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे मस्टैंग लैम्बोर्गिनी पोर्श सुप्रा ये सब आता है। बाकी ये गाड़ी बहुत ही प्यारी है यार, कितने की है ये, 15,000-14,000 की मिल जाए तो मजे, 1,00,000। BMW ये भी सस्ती नहीं मिलने वाली बट ट्राई करते हैं, ये तो भाई बहुत रेयरली है कि मिल जाए 10 में। ओके ये भी कोई तो विंटेज कार है, बात करते हैं $89,000, ये तो ऑडी है, ये पता करता हूँ ये क्या पता सस्ती मिल जाए। TCA 60,000 भाई, आज कुछ मेरे बजट में है या फिर सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है। ये भी एक Audi की Q7 लग रही है, 7,000, ये अच्छी डील है, 7,000 को मैं करवाता हूँ इससे 6,900 डील है, करते करते। ओ वाओ मिल गए भाई, $200 तो यूं ही बचा लिए मैंने, बट यार गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज है, पूरी छिली पड़ी है, और कम बोलने चाहिए थे मुझे उसको। बाकी एक मिनट की गाड़ी अपनी ओन है, यहाँ पर ना एक दो कार और ऐसे देख लेता हूँ, ये वी क्लास है, इसका मुझे रेट पता करना है, बहुत तगड़ी दिख रही है, 9,000 की भाई, ये भी सही गाड़ी है बट 9,000 है नहीं यार मेरे पास, अभी ऑफिस में कस्टमर आए हुए हैं शायद कोई गाड़ी खरीद ले तो 9,000 भी आ जाएंगे। चलो भाई फटाफट से गाड़ी को लेकर चलते हैं अपनी डीलरशिप पे, इसको रिपेयर पे लगाएंगे और कस्टमर आ रखे हैं उनको गाड़ी बेचते हैं, फिर वापस आते हैं जो सुपर कार खड़ी है पुरानी वाली वो लेकर चलेंगे। 12,000 की डाल कर आया था मैं गाड़ी, काज बिक जाए यार मजा आ जाएगा, जब ज्यादा कस्टमर रहते हैं ना तो उसी रेट में बिक जाती है गाड़ी, ऐसा मतलब मैंने कई बार नोटिस करा, तो इस बार भी 3 कस्टमर है, 12,000 है, गाड़ी में कोई डैमेज नहीं है, 10,957 तो दे रहा है। ठीक है 2 मिनट रुक जा, वस्तु मतलब ऑलमोस्ट 11,000 वो दे रहा है, ये ओ बिक गई, ले जा भाई ले जा भाई, $12,000 आ गए भाई, बजट तो बढ़ता जा रहा है, मेरे को भी थोड़ा आ गया है काम करना, जैसे थोड़ा कूड़ा वूड़ा यहाँ पर कम रहे ना तो मस्त रहता है। चलो गाड़ी में बैठते हैं भाई, अभी तो ऑडी आई है, दोबारा से इसको लगा कर आते हैं रिपेयर पे और दोबारा से चलते हैं कार मार्केट प्लेस में, वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी है मेरे को वो लेकर आनी है, वो भी बहुत सही बिक जाएगी। चलो इंजन ऑफ भाई साहब, इसको कर दो रिपेयर, देखते हैं
$1200 अच्छा खासा खर्चा आ गया इस पे। चल कर रिपेयर में आता हूँ। $19,000 लेके मैं कार मार्केट जाऊँ या फिर एक बारी नेबरहुड चलते हैं यार। मतलब ना ये थोड़ी वैसी जगह है, थोड़ा लक वाला सीन रहता है यहाँ पर, कभी भी अच्छी गाड़ी आ जाती है कभी नहीं आती। ओ भाई ये बंदा तो पूरा ट्रक बेच रहा है। आज थोड़ा नेबरहुड खाली खाली सा लग रहा है, बंदों पे ज्यादा गाड़ियां हैं नहीं बेचने के लिए। ये सामने सिट्रियन खड़ी है बट नहीं, मेरे को वैसे ना इस गाड़ी का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, मैं तो ऐसी बोल रहा हूँ। ओके वेट, एक और ऑडी है भाई, तो थोड़े दिन में मेरी डीलरशिप का नाम ऑडी ना पड़ जाए। कितने की है? 62,000। नहीं 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 भाई भाई नहीं नहीं, एक सेकेंड, सुपरकार स्पॉट हुआ भाई। ये कौन सी गाड़ी है? शेवरलेट की है भाई, क्या सही दिख रही है ये पर्सनल व्हीकल बना लूंगा अगर सस्ती मिल गई तो। 23 यार ये बहुत ज़्यादा सही है, 23 की मैं ले सकता हूँ। 19 मेरे पास है, जो गाड़ी मैं लेकर आया था अगर वो ऑडी बिक जाए तो ये गाड़ी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बट पहले ना एक ये वाली है 7,000 की, कार मार्केट प्लेस में मिल रही थी, यहाँ पर देखते हैं कितने की है। 36% डैमेज होने के बाद भी ये 8,000 की है, यानी अभी मुझे जाना चाहिए कार मार्केट प्लेस, पहले ये वाली गाड़ी खरीद के बेचने पे लगाऊंगा। वो दोनों गाड़ियां बेचकर मैं ये वाली शेवरलेट की आज मुझे लेकर जाना है, बस खत्म। इतना हो जाए भाई दिल खुश हो जाएगा। बस स्टैंड कहाँ चला गया, उनको घर जाना है वापस। ए यार अपनी गाड़ी होना बहुत जरूरी है, ज्यादा पैसा होगा ना तो मैं पता क्या करूंगा, अपनी गाड़ी लेकर आऊंगा और जितनी गाड़ियां खरीदनी है लाइन से 4-5 गाड़ी खरीद के डीलरशिप पे भेजेंगे टो करवा के ट्रक से। इसमें ऑप्शन है ट्रक से टो करवा सकते हैं, शायद से $50 चार्ज लगता है, और फिर वहां पर जाकर एक ही बार में 5 गाड़ियां बेच देंगे, तभी जल्दी फायदा होगा यार। ओके तो मैं वापस आ चुका हूँ कार मार्केट प्लेस में, और इस बार मैं क्या करूंगा ना, चला के नहीं ले जाऊंगा, एक बार ट्रक के थ्रू भेज के देखते हैं डीलरशिप पे। तो ये वो गाड़ी है जिसे मैं खरीदने का प्लान कर रहा था। कितने की थी भाई साहब? 50 भाई उसकी 20। अरे रेट बढ़ गया या फिर मैं गलत देख के गया था? $9,000 हो गया यार। ना 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 क्या यार, ये कौन सी है? ये मर्सिडीज वी क्लास नहीं, क्या यार थोड़ी सी गलती हो गई। वापस चलते हैं नेबरहुड। ये वाले बंदे की डील सही थी यार, इसी से खरीदते हैं गाड़ी, क्योंकि वो उसकी गाड़ी 50% डैमेज है, वो तब 8,000 की दे रहा है, और इसकी तो 36% डैमेज ही है, ये भी 8,000 की दे रहा है, वो 9 की कुछ की दे रहा था। बार्गेन करते हैं इससे, 8,200 फाइनल ऑफर। चल भाई मैं पहले ही फाइनल ऑफर के देता हूँ, कांग्रेचुलेशन कार मिल गई भाई। डैमेज कार पे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अच्छा खासा बार्गेन कर सकता हूँ, मुझे और कम डालना चाहिए आगे से। ओ वेट मैं चला के क्यों ले जा रहा हूँ इसको, मैं टो करवा के भेजू ना, कार पैनल चेक द कार्स। अच्छा मैं सीधा रिपेयर पे भी भेज सकता हूँ, ये कार पैनल है बट ये तो मैंने देख लिया था, तो सीधे से रिपेयर वाली जगह पे भेज देते हैं क्योंकि ठीक तो करवानी है। आई थिंक मेरे पास अभी पार्किंग लोट नहीं है, इसलिए शायद से मैं टो वाला फीचर यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है यूज कर पाएंगे, पहले ऑफिस चलते हैं। तो मैं वापस आ चुका हूँ, दो गाड़ियां मुझे आज बेचनी है, एक अपनी ऑडी लगी हुई है, ये वाली रिपेयर पे लगवा देते हैं। इसमें तो देख भाई बहुत कम खर्चा आना चाहिए, 720 कर दे रिपेयर। ये वाली हो चुकी है बैठकर। यार ये भी बहुत सही कार है, मतलब 7-सीटर है ना, नहीं 5-सीटर है, काफी हैवी कार है, बहुत बड़ी सी पहाड़ जैसे एकदम। चलो यहाँ पर लगाते हैं इसे, इंजन ऑफ, इसको बेचेंगे बहुत अच्छे खासे प्राइस में। वेब पेज ऑडी Q7, हाँ वो 7-सीटर ही हुआ ना, Q7 तो 7-सीटर है रियल में। 6,900 की मिलाया था, 1,200 कुछ तो मैंने लगाए हैं इस पे, प्राइस आ रहा है इसका 8,100 अप्रोक्स, तो इसे मैं बेचूंगा 16,000 का। चलो भाई बिकेगी, प्यार से बिकेगी, डबल करके प्राइस डाला है मैंने। ओ कस्टमर आ भी गए भाई, हेलो हेलो, खरीद लो फटाफट खरीद लो, मैं जाऊंगा फिर वो शेवरलेट वाली लेने। गाड़ी 20 की मिल रही थी यार बहुत सही रेट पे, बट अगर ये 16 की बिक गई ना भाई मजा आ जाएगा। 11,800 नहीं, बाद में आइयो यार, वैसे बुरा ऑफर तो नहीं है 11,800 भी, देखो 12 कर, थोड़ा वेट करता हूँ, ऐसे जल्दबाजी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है गाड़ी में दम है वो जाएगा, 14 का तो जाएगा वो, मेरी आदत खराब है, पहला कस्टमर आता है मैं उसको ही ट्राई करता हूँ बेच के निकालू। चलो भाई अपनी ये छोटी लैम्बोर्गिनी पुरानी वाली, ये भी मस्त चालू हो चुकी है, इसको लेकर चलते हैं भाई। ये गाड़ी में दम है, इसका एक राउंड मार के आता हूँ, कस्टमर भी आ रखे हैं डीलरशिप पे, उनसे भी बात करेंगे अभी। बट भाई गाड़ी में साउंड तो है, स्पीड भी है, पर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग स्पीड नहीं है। ओहो क्या ड्रिफ्ट तो है भाई। ओके वापस आ चुका हूँ मैं अपनी डीलरशिप पे, मस्त ड्रिफ्ट मार के। ठीक है भाई ये गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं, इंजन ऑफ, चलकर इनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया कितने की खरीद रहे हो? अ व्हीकल विद TCS इंस्टॉल कैन नॉट बी चीप। ओके इसको महंगी लग रही है बट 10,000 नहीं यार पागल है क्या तू? एक काम कर तू रुक जा बताता हूँ मैं तेरे क्या करना है, निकल यहाँ से, तू भी निकल। हाँ नहीं तो अभी दूसरी में गाड़ी लेकर आया हूँ, उसे भी डाल दे वेब पेज पे। होंडा की है एंड 8,200 की, वो 720 ऊपर से लगाए तो ये भी चली गई है 10,000 के आसपास, 9,000 के 10,000 के आसपास है, तो इसको डालते हैं 15,000। चलो भाई दोनों गाड़ियां भी मैंने बेचने पे लगा दिया, बस आज के दिन ये दोनों बिक जाए, पैसा अच्छा खासा आ जाएगा, फिर मैं जाकर वो वाली गाड़ी खरीद लूंगा। बट यार अभी टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट डे लग गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग गाड़ियां भी सारी चेंज हो जाएगी। थोड़ा वेट करता हूँ यार, कस्टमर्स आ जाए अगले 5-10 मिनट में तो मजा आ जाएगा। ओके वेट कस्टमर आए वापस। चलो भाई मुझे बस $20,000 इकट्ठे करने, इन दोनों में से कोई भी गाड़ी बिक गई ना 20,000 आ जाएंगे। ओके होंडा के लिए कस्टमर आया भाई, 10,000 की ले जाए यार इसे,
मेरे को जाकर वो गाड़ी खरीदनी है शेवरलेट की। आई एम थिंकिंग 10,279 ये दे रहा है भाई, सही है, $1,000 का फायदा हो रहा है। बार्गेन करके इससे बोलता हूँ 10,400, नहीं 500। देख ले भाई, इतनी बढ़िया डील कहीं नहीं मिलेगी। आई मेड इट, ओह नाइस, बिक गई। तो ठीक है, ये गाड़ी बिक चुकी है, मैं भाग के जा रहा हूँ जल्दी से नेबरहुड में, बस रात ना हो जाए प्लीज़। 8 बजते ही रात हो जाती है और गाड़ियाँ सारी गायब हो जाएंगी। आई थिंक मैंने किस्मत खराब, वो गाड़ी मेरे नसीब में नहीं थी। हाँ कोई बात नहीं, सोने चलते। मेरा बहुत मन था कि आज मैं, मेरे को यार ऑडी बेच देनी चाहिए थी, वो तुरंत बिक रही थी। उससे जो पैसा आता वो मैं सारा पैसा लगा देता वो नई वाली कार पे, बट ठीक है, अभी एक बार और चल कर आते हैं नेबरहुड, क्या पता आज भी वो गाड़ी बिक रही हो। बाकी यहाँ पर ये तो नहीं है। $20,000 है मेरे पास, अगर वो गाड़ी मिल गई या फिर कोई उससे भी बढ़िया गाड़ी मिल गई तो मैं ले लूंगा यार, पैसा बहुत है आज। कौन सी ऑडी है, NG5 कौन सी गाड़ी है भाई, लड़की 50,000 नहीं है यार। अब वो गाड़ी देख लिया ना, सच में और कोई गाड़ी पसंद ही नहीं आ रही है। ये पता नहीं कौन सी है, लेकिन कौन सी गाड़ी है, 38,000 की है भाई। छोड़ो गाड़ी कोई भी हो, पैसा इतना नहीं है, देखना ही नहीं। एक और होंडा सिविक है, काफी पिटी हुई कंडीशन में, 2,000 की बेचेगा, अभी ले लूंगा, ये तो बच्चा है। वो बेच रहा है भाई, 2,000 की बेच रहा है। मैं गाड़ी की शक्ल देख के बता देता हूँ भाई कितने की है। ठीक है, कुछ ना से बढ़िया तो उसकी वो 2,000 वाली सिविक लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत तो फायदा हो ही जाएगा उससे। बाकी बहुत दुख हो रहा है यार मुझे, वो गाड़ी मेरे हाथ से निकल गई। मैं तो प्लान कर चुका था इसको पर्सनल व्हीकल बनाएंगे, बट ठीक है अभी इसकी गाड़ी लेते, कस्टमर्स आ रखे हैं ऑफिस में, फटाफट से पहुँचते हैं। ला भाई 2,400 की है ना, रुक जा तेरे को मैं बताता हूँ गाड़ी कैसे खरीदते हैं। 2,199 में अभी लूंगा, देखते हैं क्या पता भेज दे। डैमेज यार और सस्ता बोलना, वो नहीं दे भाई, मना कर रहा है। 200 में $1 बढ़ा के बात करूंगा इससे। ओ भाई बार्गेन ही मना कर रहा है, वो करनी ही नहीं, ला दे ऐसी। भाई ये बंदा थोड़ा चंट था, इसको सीधा भेजते हैं रिपेयरिंग के लिए, मैं आने वाला हूँ बस से। यार एक बस स्टैंड इस रोड पे भी लगा दो भाई, इतना चल के जाना पड़ता है। ओके तो मैं ऑफिस में वापस आ चुका हूँ और भाई भीड़ लगी हुई है इस गाड़ी के लिए, चार चार कस्टमर आ रखे हैं। हाँ जी 16,000 मैंने डाला, मैं से इतनी की बेचने वाला हूँ क्योंकि जो गाड़ी चल चल निकल 10,000 की नहीं। ये आंटी तो चाहिए ये गाड़ी 9,000। भाई तुम्हें इस गाड़ी में कमी क्या लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इतनी सही कंडीशन में है पर ऑडी है सबसे बड़ी बात। तो भाई ये 16,000 में 1,000, भाई इस गाड़ी के रेट गिरते जा रहे हैं गाइस, भाई भी निकालनी पड़ेगी 10:30 में ही। अबे अकड़ के गए तो खरीद ले भाई, नहीं ले रहे यार, निकल यहाँ से, नहीं बेचनी। हाँ यार गाड़ी गंदी हो गई है, क्या मैं एक स्किल पॉइंट अनलॉक करूँ क्या ये वाला? मेरे हिसाब से ना गाड़ी थोड़ी डर्टी हो रखी है इसलिए लोग ले नहीं रहे। कस्टमर आया ऑफिस में, चलते हैं 2 मिनट में, कितनी रिपेयर होगी ये लेके ही जाऊँगा, अच्छा टाइम है इसमें तो। बे भाई कूड़ा फेंक रखा है, इसीलिए तो खरीद नहीं रहे लोग, इनको लग रहा है सस्ती दुकान है। हाँ जी कितने की चाहिए भाई? 16,000 की है, 11,000 भाई अच्छी डील आ गई, ये मेरे को बेच रहा हूँ मैं से 12,000 की, बात खत्म। अरे 1,200 नहीं 12,000, अभी तो नुकसान हो जाता। ओके वाह बिक गई, 14,000 डाला था 12,000 की बिक गई, ठीक है 8,000-9,000 कुछ की पड़ी थी बट सही है, अभी फायदा होगा। $29,000 मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं और आज ना मैं कोई भी गाड़ी अब नहीं खरीदने नहीं वाला क्योंकि कार मार्केट प्लेस बंद है, नेबरहुड में कोई ढंग की गाड़ी है नहीं। एक दिन का वेट करेंगे, कल जाएंगे गाड़ियां खरीदने, जरूरी नहीं है कि डेली गाड़ी खरीदें। बाकी ठीक है भाई, ये गाड़ी एकदम मस्त रिपेयर हो चुकी है और ये लेकर जब मैं आया था भाई ऐसी बिल्कुल नहीं थी। भाई क्या प्यारी दिख रही है यार ये गाड़ी रिपेयर होने के बाद। चलो इस गाड़ी को भी लगाते हैं इस तरफ, बस इंजन ऑफ पार्क। आज की अपनी लास्ट कार है, इसको बेचते हैं, देखते हैं कितने की बिकेगी और खत्म करते हैं। 2,465 की लाया था, 880 मैंने लगा दिए, टोटल 3,100 कुछ तो बन रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी खराब है बट ठीक है। अपने को पैसा कमाना है, सीधा 6,000 डालो, जितना बन रहा है अप्रॉक्स उसका डबल कर दो। अबे नहीं ये 6 की नहीं, इसको 8 की डालू क्या? ब्लैक कलर है, क्या पता कोई माफिया वाफिया आ जाए। इसको डालेंगे 7,400 की, ये ज़्यादा बढ़िया प्राइस है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैंने अभी तक चेक नहीं करे। कस्टमर आ चुका ऑफिस में, उससे पहले बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो, अच्छा अभी इसने गाड़ी देखी नहीं, मैं पहले उससे डील करने चले गया। हाँ जी गाड़ी एकदम क्लीन है, चमकती हुई, 7,400 बहुत सस्ती है। अब 2,700 बहुत ही गरीब है, तो निकल यहाँ से। 2,000 इतने के तो मैं खुद लाया हूँ। 2 TV ओके, अपग्रेड्स में ये है ऑप्शन कि मैं अपना ऑफिस का पार्किंग लॉट अपग्रेड कर सकता हूँ, बट यार ये 2,00,000 का है, इतना पैसा नहीं है भाई। टो कराने वाला फीचर के लिए मेरे को ये खरीदना पड़ेगा, ये पार्किंग स्लॉट है जिसके थ्रू मैं टो करवा लूंगा, तो ये ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरे पास एक स्किल पॉइंट आ चुका है जो कि गाड़ी क्लीन करने का, इसको अनलॉक करते हैं। अभी जैसे कोई भी गाड़ी गंदी रहेगी मैं कैसे क्लीन करूंगा? अच्छा ये लिया और मैं ऐसे इसे क्लीन कर सकता हूँ, मुझे बार बार वॉशिंग वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाई, बढ़िया। और अच्छा क्लीनिंग करने से भी पॉइंट मिलते हैं, ये देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ रहा है जितनी भी एरियाज में क्लीन कर रहा हूँ, नाइस। अगर मैं इसे पहले अनलॉक करता तो अभी तक तो मैं काफी सारी अपनी एबिलिटीज अनलॉक कर लेता, पूरी चमका दे गाड़ी। हाँ जी आंटी पूरी चमक रही है गाड़ी, डर्टी सिर्फ 15% है। ये तो फिर आ गई घूम के, देखो देखो $500 और बढ़ा कर आई, तू वापस जा।
$1,000 और बढ़ा करा अभी भाई, ये सब अनलॉक हो गया ना, ये कार वॉश गन है। ओके ओके ओके, एक और न्यू कस्टमर आया, इससे बात करते भाई। अभी ना अपने पास बैंक में बहुत सही पैसा, $26,000, नाइस। हाँ जी भाई, 7400 3300 दे रहा है भाई, इस गाड़ी को निकालते हैं, ज्यादा हो गया। 3000 यार, लेकिन बहुत कम फायदा नहीं हो रहा, 4000 डाल दूंगा इसके लिए, ये इतना ज्यादा बार्गेन तो नहीं करता कोई, चल निकल फिर, नहीं बेच रहा। ओके, एक और कस्टमर आया ऑफिस में, हेलो भाई। अरे नहीं यार भाई, बंदों को इस गाड़ी की बिल्कुल वैल्यू नहीं है यार, मैं तो इसे बहुत एक्सपेक्टेशन से लेकर आया था। 100% क्लीन है अभी, और डील अभी भी अच्छी नहीं मिल रही यार। बंदे आ तो रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में, बट इस कार में कुछ तो है कमी, जो कि ये नहीं बिक रही है अच्छे रेट में। गाड़ी पेंटेड होने के भी नुकसान होते हैं क्या? ओ भाई, ये अच्छा कस्टमर है, 3430। तू 2 सेकंड होल्ड कर, एक बार इससे भी पता कर लेता हूँ, क्या पता है 4000 दे दे। अमीर लकड़ी है, नहीं नहीं तू गरीबी है, तू इधर आ भाई। एक और कस्टमर आ गया, तू चले, मैं जाइयो खड़े रह। पता चला मैं इसके पास गया, वो भाग गया। भाई तू तो बिजनेस में आया ना फुल, अबे भाई तू गरीबी है। 3430 को हम करवाएंगे 3700। देख यार, $300 ही बढ़ा रहा हूँ मैं, पूरे 300 भी नहीं बढ़ा रहा वैसे तो। ओके, 3430 3600 लास्ट कर दे यार, ले जा। ओके नाइस, बिक गई भाई गाड़ी, टेंशन खत्म, $30,000 इकट्ठे हो चुके हैं भाई। चलो ऑफिस बंद करो, आज बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोग को मजा आएगा आज की वाली वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 5,50,000 लाइक के लिए, तो जाओ फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और गोल कंप्लीट कर दो। बाकी जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे फटाफट से आगे दबा देना, और कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या लगता है कि तुम्हें मैं कितने एपिसोड्स में या फिर कितने दिन में अपनी इस डीलरशिप को बड़ा बना पाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5 एपिसोड या 10 एपिसोड, कमेंट्स में बताओ। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।